हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शुभम और मेरे चैनल को फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज का वीडियो जो है वो 21 दिन लॉकडाउन का वीडियो आज मैं लेके आई हूँ कि किस तरह से आप इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने वेट को लॉस करें, अपनी चर्बी को बहुत तेज़ी से पिघलाएं, और ये सिर्फ आपके एक लंच में परिवर्तन करने से हो जाएगा। अगर लंच में आप इस चीज़ को लेना स्टार्ट करोगे तो फ्रेंड्स यकीन मानो कि 21 दिन में कमर की चर्बी बहुत तेज़ से जाएगी, पेट की चर्बी बहुत तेज़ी से जाएगी, क्योंकि ये एक संपूर्ण आहार है। इसमें मिनरल्स हैं, इसमें फाइबर है, इसमें विटामिन्स हैं, इसमें प्रोटीन है, सारी चीज़ों का मिश्रण ये एक है, जिसको अगर आप अपने लंच से सिर्फ रिप्लेस करना है और जी भर के खाइएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपको पेट नहीं भरेगा, फुल टेस्टी है, बहुत सारी चीज़ों के मिश्रण से बना है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप इसे अपने लंच से सिर्फ आपको रिप्लेस करना है। और अगर आप इसे लेना स्टार्ट करोगे तो फ्रेंड्स यकीन मानिए, मैं फिर से यही चीज़ कहना चाहूँगी, वेट बहुत अच्छे से लॉस होगा, चर्बी बहुत अच्छे से पिघलेगी। और बस सिर्फ इतना मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि ये सबके घर में अवेलेबल है, आपको कहीं भी मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, कि आप मार्केट से मंगवाओ कि ऑनलाइन मंगवाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं जरूरत है, ये आपके घर में चीज़ अवेलेबल है। लेकिन जो किस तरह से लेना है और कैसे खाना है वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लंच आइडिया। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि दोपहर का खाना हम सबके लिए कितना ज़रूरी होता है, और इसी लंच में अगर हम कुछ हेल्दी डाइट ले लें तो हमारा वजन कभी नहीं बढ़ेगा और बढ़ा हुआ वजन भी कम होने लगेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए प्रोटीन से भरपूर लंच लेकर आई हूँ, जो कि आपके हाजमे को भी दुरुस्त करेगा और साथ ही साथ वेट लॉस भी करेगा। इतना सस्ता और उम्दा प्रोटीन आपको कहीं नहीं मिलेगा, और वेट लॉस करने में प्रोटीन अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यह हमारी मसल्स को मजबूत बनाता है, जिससे शरीर की चर्बी पिघलने लगती है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ मूंग की दाल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मेरी आज की रेसिपी। तो फर्स्टली आपको चाहिए चॉप्ड ओनियन यानी कि प्याज, हरी मिर्च, एक कटी हुई हरी मिर्च, फ्रेश कोरिएंडर लीव यानी कि हरी धनिया, सम टमाटोज यानी कि टमाटर, आपको जीरा और हींग लेना है, और करी लीव्स, और आपको मूंग की दाल लेनी है 100 ग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो फर्स्ट आपको हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यूज करना है, यानी कि आपको मस्टर्ड ऑयल हाफ टेबल स्पून यूज करना है। फ्रेंड्स, मूंग की दाल में और भी कई खूबियां हैं। एक आदमी को दिन में 100 ग्राम आयरन की आम तौर पर जरूरत होती है, उसका 37% आयरन अकेले 100 ग्राम मूंग से मिल सकता है। यही नहीं, एक दिन की जरूरत का 13% कैल्शियम भी 100 ग्राम मूंग की दाल से मिल जाता है। तो आपको इसमें हींग, जीरा, हरी मिर्च डालनी है, इसके बाद आपको इसमें चॉप्ड ऑनियंस डालना है, और आपको फिर करी लीव्स और टमाटो डाल के इसे अच्छे से फ्राई करना है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप इसमें रॉक सॉल्ट यूज़ करेंगे, यानी कि सेंधा नमक यूज़ करेंगे, नॉर्मल वाला नमक आप नहीं यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप अपनी लाइफ से शुगर और नॉर्मल नमक को बिल्कुल भी अपनी लाइफ से निकाल फेंकिए, आप यहाँ पे सेंधा नमक ही यूज़ करिएगा। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी कि 100 ग्राम मूंग की दाल में 347 कैलोरीज होती हैं, 1.2 ग्राम फैट होता है, 63 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, 16 ग्राम फाइबर होता है, और 24 ग्राम प्रोटीन होता है। यानी कि आपको जितना भी आयरन, प्रोटीन, विटामिन की जरूरत है, ये आपके लंच में भरपूर मात्रा में आपको देगा और आपका पेट भी भर जाएगा। और आप इसके बाद आपको इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से पका लेना है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें भीगे हुए
चने भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें भीगे हुए राजमे भी यूज़ करके इसे अच्छे से पका सकते हैं। पकने के बाद इसका कुछ ऐसा ऐसा देखने में लगेगा। आप इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डालिए और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे अकेले नहीं लेती हूँ, इसके साथ मैं कुछ कुकुम्बर्स लेती हूँ। ये देखिए, ये तैयार है मेरी दाल। आप चाहें तो इसको एक रोटी ले सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा चावल भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें राजमा और चने भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे दो खीरे लेती हूँ, ये दाल लेती हूँ, दो खीरे लेती हूँ, और इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करती हूँ, वो है बटर मिल्क यानी कि मट्ठा। तो इससे मेरी डाइट कंप्लीट होती है, फाइबर से, मिनरल से, विटामिन से, मतलब मैं एक भरपूर डाइट लेती हूँ, जैसे कि संपूर्ण आहार कहते हैं। मैंने बताया कि आपको ऑनलाइन मंगाने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में ही अवेलेबल है। तो ये ऐसी चीज़ है जो सबके घर में अवेलेबल है और आपको इजी वे में मिल जाएगी। खाना स्टार्ट करिएगा, देखिएगा पेट बहुत अच्छा रहेगा, आप फाइबर मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे, सारी चीज़ों का एक संपूर्ण आहार है, जो कि मैं अपने नवरात्रि के बाद से इस लंच को हमेशा से लेती हूँ और लेती आऊँगी। डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, वीडियो पहले भी बहुत सारे दिए हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। और ये एक मैंने सोचा क्यों ना ऐड ऑन कर देती हूँ आप लोगों की कैटेगरी में। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद है हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक।